नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। कि बिहार ना शिक्षण मंत्री नफरत फैलावानु पोते काम करी रिया छे, अब आ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री दूर करवा जोइए। अने બિહારના એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર ચંદ્રશેખર પ્રસાદનો એક વિડિયો વાયરલ થયો છે। એ વિડિયોમાં તેમને એવું કહેતા દેખાઈ રહ્યા છે કે રામચરિતમાનસ નફરત ફેલાવતો ગ્રંથ છે। તો આખો વિડિયો શું છે, તેમણે શું નિવેદન આપ્યું હતું, તે આખું નિવેદન સાંભળી। મનુસ્મૃતિ કો જલાને કા ક્યું કામ કિયે, ઇસલિયે કે મનુસ્મૃતિ મે એક બરે તબકા કે ખિલાફ 85% લોગો કે ખિલાફ અનેકો ગાલિયા દી ગઈ। રામચરિતમાનસ કા ક્યું પ્રતિરોધ હુઆ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। अने राम राज्य गांधी जी थी मांडी ने आज दिवस सुधी बड़ा आज राम राज्य की कल्पना कर राज्य व्यवस्था उभी करवाना प्रयत्न करी रिया छे। એટલે હું માનું છું કે બિહારના શિક્ષણ મંત્રી નફરત ફેલાવવાનું પોતે કામ કરી રહ્યા છે। આવા મંત્રીઓને મુખ્યમંત્રીએ દૂર કરવા જોઈએ અને એમને માફી માંગવી જોઈએ।